आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा बेटा, जो सबसे पहले तो ये है कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमने अभी तक जो पढ़ा है, बेसिकली हमने वो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद जो है, हमने कहा था कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, अगर आपको ये याद हो। ठीक है, तो हमने ये यहाँ ये बनाया था ऊपर सबसे पहले, राइट। ये हमारे पास जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बनी हुई थी। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने कहा था कि ना, बात ये है कि ये फिर हमने यहाँ पर इसके जो है ये हमने इम्पैक्ट देखे थे इसके, ठीक है ना। इसको एन सी कह लें या एन ई कह लें, नो नो इफेक्ट कह लें या नो चेंज कह लें, ठीक है। तो ये हमारे लिए मोर और लेस जो है वो सेम मीनिंग है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आपके पास जो है वो एन ई लिखा हुआ है तो परेशान नहीं होना, ये नहीं कहना कि सर ये तो आपने तो एन सी लिखा हुआ था, तो दिस इज नो इफेक्ट या नो चेंज, ठीक है। ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो ये आप देख लेंगे, ओके। तो इसके बाद जो है, हमने कहा था ना, बात यह है कि टू फैसिलिटेट ताकि हम जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, हम लेजर को मेंटेन कर सकें। हमने ये नीचे लेजर तो बनाए थे, लेकिन हमने कहा था लेजर हमारे लिए जो है वो मेंटेन करना मुश्किल है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि हम जो है इसको कहाँ पे आते हैं, हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री पे आते हैं, राइट। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमारे पास क्या है, जहाँ पर हमने जनरल जनरल में सब एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। आपके एग्जाम में जाहिर है, अब जो आपके पास ट्रांजेक्शन आएंगी इसको आपने जनरल जनरल में रिकॉर्ड करना है। जनरल जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास बनता है वो हमारे पास लेजर का बनता है, और अकाउंट का अलग लेजर बनेगा, कैश का अलग बनेगा, जो अगर एक्सपेंसेस का अलग बनेगा, हमारे पास जो है कैपिटल का अलग बनेगा। ये हम पहले जो है अकाउंट सारे यहाँ पर, अगर आपको याद है तो हम यहाँ पर ये देखें, ये बना चुके हैं। यहाँ पर हमने व्हीकल का अलग बनाया हुआ था, कैश का अलग बनाया हुआ था, फर्नीचर का अलग बनाया हुआ था, मशीनरी का हमने अकाउंट जो है वो अलग बनाया हुआ था। अकाउंट्स पेबल अलग है, वहाँ कैपिटल अलग है, राइट। इस तरह से अगर वहाँ आपने ड्राइंग की है तो वहाँ आपकी ड्राइंग जो है वो अलग है, ठीक है। बैक हम चलते हैं कि जनरल जनरल पे हमने जब एंट्री करके इसकी पोस्टिंग की, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो है इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। जब हम ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं, ट्रायल बैलेंस मतलब ये होता है कि हमारे पास डेबिट्स एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। अच्छा, इसमें एक चीज जो है, क्योंकि अभी हमने जो है वो पढ़ना शुरू किया है प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसमें एक चीज आप देखते हो तो उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, राइट। अब जो रिटेन्ड अर्निंग होती है उसका हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जाहिर है जो भी प्रॉफिट अर्न करता है एक इन्वेस्टर, तो उसने क्या करना होता है कि उसने जो अर्न किया है कुछ उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और कुछ वो जो है वो ड्राइंग करता है अपने जो है यूज के लिए उसको रख लेता है, राइट। मुझे काइंडली एक बार बताइएगा कि ये बेदार बख्त का मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही है, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। नहीं चले, मैं कोशिश सर, अब करता मुझे हूँ, नहीं मैं आ रही। मुझे भी आ रही थोड़ा सर, सा शुरू में और बात में जो है मुझे आप जो बोल रहे हैं समझ नहीं लगी। मैं थोड़ा सा इसको और जो है वो स्लो बोलता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो है, मैं बात कर रहा हूँ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग जब हम कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग वो होती है कि जो हमने प्रॉफिट अर्न किया होता है पिछले सालों में, और वो हमने ड्रॉ करके इस्तेमाल नहीं किया होता बल्कि उसको बिजनेस में ही हम रहने देते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग जब हम, अगर कहीं आपके पास क्वेश्चन में आता है तो आपने परेशान नहीं होना। रिटेन्ड अर्निंग मीन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज रिटेन्ड बाय द इन्वेस्टर इन द बिजनेस,
ठीक है, वो अपने कैपिटल में ऐड नहीं करता, उसको एज अ रिटेन अर्निंग शो करता है। उसका पर्पज ये होता है कि हम जो है आगे जाके पढ़ेंगे लॉ के तहत, लॉ में जो है वो ये होता है कि आप जो है अगर आपको जरूरत पड़ती है, हम जा अभी तो हम अभी लॉस की हम इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो आप रिटेन्ड अर्निंग में से पैसे तो विड्रॉ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल में से पैसे आप नहीं निकालते होते। ये सब रूल्स हैं, ठीक है, ये हम बाद में जाके अभी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटेन्ड अर्निंग आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर हमने जो है वो लास्ट टाइम हम देखा था कि हमारे पास जो है, हमने कहा था हमने एक कार परचेज की है, कैश पर परचेज की है, जिसकी लाइफ जो है वो 5 साल है, और जाहिर है वो यूज़ होती है, वो यूज़ तो होके उसकी लाइफ है, 5 साल बाद वो हमारे पास किसी काम की गाड़ी नहीं रहेगी, या उसको हम जो है सर्टन वैल्यू पे जो है उसको हम कहते हैं जो है सॉल्वेज वैल्यू भी कहते होते हैं, उसको हमने डिफरेंट जो है नाम रखे होते हैं, ठीक है ना, तो उस पे जो है हम उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने ये कहा था कि आपने जो है वो सप्लाईज परचेज की और सप्लाईज यूज़ की, तो वो कंज्यूम हो जाती हैं, उसका मतलब हमारी जो वैल्यू ऑफ द एसेट जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से हमारी वैल्यू ऑफ एसेट तो कम हो गई है, लेकिन कार पूरी है, तो हम यहाँ पर कार एक्सपेंस लिखने के बजाय हम यहाँ पर एक जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं ताकि हम उसको फैसिलिटेट कर लें। जैसे मैंने कहा था कि ये जो है इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। A song of sir. जी, तो इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस समझे ना, वो कार का यूज किया हमने कि ये कार का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। फिर हमने क्या किया कि अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कार क्रेडिट हो गई, जिस तरह से हमने सप्लाईज को क्रेडिट कर दिया था, जिस तरह से हमने जो है वो रेंट को क्रेडिट कर दिया था, तो सप्लाईज ना कार क्रेडिट होती है, कार तो हमारे पास रहती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक और जो है अकाउंट यूज किया, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। वो जो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है वो क्या करता है, इसकी वैल्यू को रिड्यूस करता है। मसलन मैं यहां पर लिख देता हूं कार की बजाय एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कार, तो ये 2000 से हमारा एक्सपेंस हुआ है और 2000 से हमारे पास ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट मीन मैं भी बताता हूँ क्या है, और ये हमारे पास 2000 है। अब कैसे मैं हम कहें कि ना हमारे पास जो है कार, तो देखिए कार पूरी है हमारे पास, कार का कोई पार्ट जो है हमसे हमने नहीं निकाला है। जब तक कार का पूरा पार्ट होगा कार चलेगी, कार के पार्ट्स पूरे नहीं होंगे तो कार नहीं चलेगी, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो वैल्यू कम करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रा एसेट, जब एसेट हमारे पास क्या होते हैं डेबिट होते हैं, जब हम कॉन्ट्रा एसेट की बात करेंगे तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा। याद रखें मैं रिपीट करता हूँ, जो एसेट अकाउंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं वो जो है वो डेबिट होते हैं, और जब हम कॉन्ट्रा एसेट की बात करेंगे तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट हमारे पास क्या होगा वो क्रेडिट होगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, हमने एक चीज जो है डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, मैं उसको रिपीट करना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ पर एसेट्स में हमने वही लेके आने हैं जो जिनकी लाइफ जो है जिनकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर है, ठीक है ना। अब हमने कहा था कि आप ये देखें एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कार जो है 2000 क्रेडिट है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको लिख दूँ कि ना अब ये 2000 क्रेडिट है राइट जी, तो हमारे पास जो है अकाउंटिंग में हम पैरेंथेसिस लिखते हैं, तो ये जो वैल्यू कार की बच जाएगी उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू भी कहते हैं, रिटर्न ऑन वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ बुक वैल्यू का वर्ड यूज करते हैं, तो बुक वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी जनाब, दिस इसमें जो ये माइनस कर देंगे, तो अब जो वैल्यू हमारे पास जो बुक वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू मतलब है कि जो हम अपने बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जो हमारे पास जो है वो कार की जो वैल्यू अपेयर हो रही होगी वो अपेयर कितनी हो रही होगी 118,000। देखें ये वर्किंग हमारे पास पूरी होगी राइट जी, इस वर्किंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये वर्किंग हमारे पास पूरी होगी कि ना कार तो 1,20,000 की है,
लेकिन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जो उसका है जो हमने क्रिएट किया है उसमें यहाँ पर जो इसके वैल्यू आ रही है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट में 2000 की हमने पोस्टिंग की, ये देखें ये क्रेडिट था तो क्रेडिट पोस्टिंग कर दी हमने, तो ये इसलिए हमने निकाला। तो हमने कहा ना बात ये है कि एसेट तो हमारा वही 1,20,000 का ही है, ये हमारे पास देखिए ये एसेट हमारे पास 1,20,000 का है, लेकिन क्योंकि एक महीना हम ये यूज़ हो गया है तो उसकी लाइफ जो है 5 ईयर्स थी, तो 5 ईयर्स पे हमने इसको जो है को डिवाइड करके फिर इसको 12 पे डिवाइड किया तो 2000 जो है वो पर मंथ हमारे पास आ गया। तो हमने कहा कि ना वैल्यू उसकी जो है बनती है वो 1,00,000 जो है और 18,000 बन जाती है। अच्छा यहाँ तक किसी को कुछ बात समझ ना आई हो? क्लियर है सर जी की और बच्चा कुछ? ठीक है। अच्छा अब हमने रूल ये बनाया कि ऑल दोज एसेट्स उनको हम कैपिटल एसेट इसलिए रिकॉर्ड करेंगे, उसकी हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, उसका हम काउंटर एसेट अकाउंट बनाएंगे जिनकी लाइफ जो है मोर देन 1 ईयर होगी। ठीक है ना। अगर फर्ज करें आप एक जो है आजकल जो है वो LED लाइट्स आती हैं, ठीक है ना, आपने एक लाइट परचेज की, अब उसकी लाइफ तो है वो कहते हैं जी 5 साल की लाइफ है इसकी, उसको आप कैपिटलाइज करेंगे? हमने एक LED लाइट परचेज की है जिसकी लाइफ जो है 5 साल है, तो एज पर रूल जो है हमें हमने तो कहा था कि ना जो भी एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ जो है मोर देन 1 ईयर उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। क्या हमें वो बल्ब जो है, क्या हमें वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको कैपिटलाइज करना चाहिए? एज पर रूल हमें करना चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब ये है कि अगर हम ये एक्शन करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे अकाउंट्स पे वो बहुत मटेरियल नहीं पड़ेगा, जबकि हमारी लेबर बहुत बढ़ जाएगी कि हम सब जितने भी बल्ब लगाए हुए हैं सबकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, हर एक का जो है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट मेंटेन करें, और वो हमारे जो जो हमारी लेबर ज़्यादा हो जाएगी और जो हमारा बेनिफिट है वो कम हो जाएगा, बिकॉज इसका इतना मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होगा। कुछ बल्ब आपने इस साल लगाए हैं उसको आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे, कुछ बल्ब आपने अगले साल लगाए उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। और फर्ज करें आपने बिल्डिंग में जो है मेजर रिपेयर नहीं की, पेंट किया है और आपने 3 साल बाद दोबारा पेंट करना है, तो वो पेंट जो है वो इतना जो है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो हमारे इम्पैक्ट करे। आगे हम जाके पढ़ेंगे मटेरियलिटी में कि ये इसकी परसेंटेज क्या होती है, तो आगे ऑडिट में भी आप जाके पढ़ेंगे कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए और कितना हमें इग्नोर करना चाहिए। तो हमारे पास जो है जो थोड़ी सी वायलेशन आती है बिकॉज ऑफ द कैपिटल रूल्स, जिसमें हमने कहा था कि एवरी एसेट हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर शुड बी रिकॉर्डेड एज अ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और उसको डेप्रिशिएट करें हम, उसके लिए हमने वायलेशन की है। वायलेशन की है कि जहाँ पर मटीरियल इम्पैक्ट नहीं है उसको हम एज क्या रिकॉर्ड कर लेंगे, एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा इसमें फिर ना एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उसको हम कहते हैं कि रियलाइजेशन। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि आपने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया सऊद ने, ठीक है ना, सऊद ने कहा ना बात ये है कि मुझे बेदार बख्श जो है वो अगले जो है वो 6 महीने मुझे 10,000 पर मंथ पे करेंगे और मैं उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। ठीक है ना, तो एक तरह की इन्होंने हमें क्या कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दी। चले हम एडवांस फी उन्होंने पे कर दिया। अब एडवांस फी जो है हमारे पास एक तरह की लाइबिलिटी है, जिस तरह से वो एसेट जो हम जो हमने कंज्यूम नहीं किए थे वो हमारे पास एसेट थे जब तक हमने कंज्यूम ना कर लिए, इस तरह से वो अमाउंट जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है जब तक उसको हम जो है अर्न नहीं कर लेंगे, जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाएगी उस वक्त तक वो हमारी लाइबिलिटी है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ
अगर फर्ज करें जो है मैं लिखता हूँ जनाब, डेट आप डाल दीजिएगा खुद ही, मैं कहता हूँ जनाब कैश जो है वो डेबिट फर्ज करें 6,000, राइट जी। और अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है 6,000। अब मैंने यहाँ पर इसका अनअर्न्ड रेवेन्यू मैंने इसलिए कहा है कि अभी हमने इसको अर्न नहीं किया। जब हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे तो तब हम इसको अर्न कर लेंगे। पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 6 months, राइट जी। अब फर्ज करें कि ये जो भी मंथ है इसके 31st को हमने जो है वो 1 महीने की सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो अब जो अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारी लाइबिलिटी है वो हमारी लाइबिलिटी इतनी कम हो जाएगी। तो कितनी कम हो जाएगी, फर्ज करें हमने जो है ये 6 months का एडवांस लिया था तो 1,000 हमने अर्न कर लिया, राइट जी। और यहाँ पर जो है हम जो है वो फी अर्न्ड या जो भी है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब आप ये देखें, अगर हमने यहाँ पर लेजर अकाउंट बनाए हुए हैं और यहाँ पर जो हमारे पास है वो है अर्न्ड रेवेन्यू, और क्योंकि अर्न्ड रेवेन्यू लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारे जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के जो है वो कहाँ पे होती है, वो क्रेडिट साइड पे होती है, इसलिए क्रेडिट होते हैं। इसके लिए हम इसको जो 6,000 हमने क्रेडिट कर दिया। और जब हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया, इसका हमने अकाउंट डाल दिया अर्न्ड, कितनी हमने इस महीने कितनी हमने फी अर्न की, 1,000 की अर्न की, तो हमने क्रेडिट कर दिया। और ये लाइबिलिटी हमारी क्योंकि हमने उस अमाउंट को रियलाइज कर लिया है, हमने उसको 1 month की सर्विसेज दे दी हैं, तो इसलिए हमारे पास जो है हमारे पास लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई है, बिकॉज हमने 1 month की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं और हमारे पास जो है वो फी अर्न जो है वो 1 month तक है। हम ये लिखें 1 month रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। जी बेटा, यहां तक किसी को समझ आई हो? मैं चाहूंगा कि मैं आपको, अगर आपको प्रॉब्लम है, रिपीट कर दूं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसकी इतनी आसानी से समझ आते नहीं है। मैं आपको, जब हमने पहले डेप्रिसिएशन का देख लिया, एसेट्स का देख लिया, हमने कहा ना बात ये है कि हमारे पास वो एसेट्स जिनकी लाइफ जो है मोर देन 1 year है उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे, उसका एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनेगा, और वो जो है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या करेगा कि उसकी वैल्यू को कम कर रहा होगा। उसके लिए हमने ये बना दिया एक छोटा सा कि ना ये कार है, ये इसकी क्या डेप्रिसिएशन है, कितनी उसकी वैल्यू जो है वो यूज़ हो गई, और ये उसकी बुक वैल्यू जो हमारे बैलेंस शीट में आएगी, कि हमने ये शो कर दिया। इसके बाद हमने कहा ना ठीक है, ये तो बात हमारे पास एसेट्स की बात हो गई, लेकिन हमें समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें एडवांस में पैसा पे कर देते हैं, और जब एडवांस में हमें पैसे पे करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी होती है जब तक हम उसको अर्न ना कर लें, जब तक उसको हम रियलाइज ना कर लें, राइट जी।
जब तक उसको रियलाइज नहीं करते उसको तक हमारी जो है वो लाइबिलिटी होती है, और उसके बाद जब हम उसको जो अब हम उसको अर्न कर लेते हैं तो वो फिर हमारे पास हमारी जो है वो रेवेन्यू बन जाता है, उसको हमने फी अर्न का नाम दे दिया। जैसे मैंने कहा कि हमने पहला स्टेप हमारे पास जनरल जनरल है, उसके बाद हमारे पास लेजर में पोस्टिंग करनी है, और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद फिर हम बैलेंस निकालेंगे और इससे हम जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अभी जो है अब जो ये आप बना लें इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है हम ट्रायल बैलेंस पहले बना चुके हैं वो आप देख लें, उसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना, कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। और बैलेंस शीट जो है बिल्कुल वही बैलेंस शीट है जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में बनती है, तो उसकी हम फर्दर और प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपके इस एग्ज़ाम में आपके लिए इतना जो है वो जानना काफ़ी है कि हमने किस तरह से जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, किस तरह से हमने जो है इम्पैक्ट शो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, और हमारे पास मेन जो हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं। हमने मटीरियलिटी पे अगर रुके थे, हमने कहा था मटीरियलिटी का मतलब ये है कि अगर हम एक छोटी चीज़ परचेज करते हैं जिसका बेनिफिट नहीं है तो उसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, बिकॉज उसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल जो है हमारे प्रॉफिट पे और बैलेंस शीट पे वो ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर हम अपने रूल की थोड़ी सी वायलेशन करते हैं, उस रूल की वायलेशन बिकॉज ऑफ आवर कन्वीनियंस करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर प्रैक्टिस करते हैं कि हम हर बल्ब के लिए हर जो है छोटी सी जो है चीज़ के लिए हम नहीं कर सकते कि उसको हम जो है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनाएं और उसकी डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, उसको वो कंपनसेटरी होते हैं, कुछ एक्सपेंस अभी किए हैं कुछ एक्सपेंस अगले साल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है उसको कंपनसेट कर लेते हैं। जिस तरह से हम तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा जो है प्रिंसिपल से मटेरियलिटी जो कंसेप्ट है वो हमने डेविएट करते हैं, राइट। इसमें कोई बेटा प्रॉब्लम कोई चीज सर? जी बेटा। सर आपने कहा है कि एडवांस पे लायबिलिटी होती है जब तक हम रियलाइज नहीं करते, तो रियलाइजेशन के बाद क्या होता है? वो हमारा रेवेन्यू बन जाता है बेटा। देखें अभी मैं दिखाता हूँ ये एंट्री ना, ये हमने क्या किया कैश लिया 6000, ठीक है ना, और ये हमारी लायबिलिटी बन गई अनअर्न रेवेन्यू। ये हमने फर्स्ट करें, ये हमने फर्स्ट ऑफ मंथ लिया था ना जी, ये हमने लिया था जनाब, पता नहीं क्या कुछ ओपन हो रहा है जी, फर्स्ट करें, ये फर्स्ट ऑफ जनवरी को लिया था, ठीक है। अब हुआ ये कि आपने कैश ले लिया 6000, लेकिन अभी तक आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, ठीक है ना। अब जो है आपने कहा था ना, बात ये है कि मैं जो सऊद को जो है मैंने जो है इसका एक लीगल केस है उसे मैंने इसको फंडिंग देनी है और ये हमारा 6 महीने तक इसका केस चलेगा, हर महीने मैंने इसको ये काम करके देना है, तो अभी तक आपने ये काम नहीं किया। लेकिन जब 31st जनवरी आई तो आपने देखा कि आपने उसका 1000 का काम आपने कर दिया। जब आपने 1000 काम कर दिया तो आपका जो अनअर्न रेवेन्यू जो आपकी लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी और आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। फी अर्न जो है आपने, फी अर्न आपका रेवेन्यू है, फी अर्न आपके एक तरह के जो क्या है वो आपका रेवेन्यू है, वो आपकी इनकम है, तो वो आपका क्रेडिट हो गया। इनकम क्या होती है, इनकम क्रेडिट क्यों होती है, बिकॉज एवरी इनकम इज इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी, सो इंक्रीज इन ओनर इक्विटी इज क्रेडिट एज क्रेडिट, ठीक है। इसलिए फिर जितने अब देखें, अगर फर्ज करें मैंने ये कहा ना कि ये हमारे पास जो है वो 31st जनवरी है, अब अगर फर्ज करें कि और ट्रांजेक्शन वापस नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, मैं ये करता हूँ। अब आप ये बताएं कि 28 फरवरी को आपने जो है फिर उसको 1 महीने की सर्विसेज दी, तो आप ये एंट्री दोबारा से जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर इसको आप रिकॉर्ड कर देंगे और क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है वो अनअर्न रेवेन्यू 1000 से फर्दर जो है वो कम हो जाएगा और आपका जो रेवेन्यू अर्न है वो 1000 से ये बात समझ आए बेटा जी सर। हर महीने व्हाट विल हैपन कि आपने जो सर्विस प्रोवाइड कर दी है वो आपने रियलाइज कर ली है, आपने उसको जो है सर्विस दे दी है,
राइट right? जब आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी तो वो अब आपका राइट है कि वो पैसे आपके हो गए, वो आपकी अब लाइबिलिटी नहीं है। ओके सर, ठीक है, इसलिए फिर हम जितनी जितनी सर्विसेज देते रहेंगे उतना उतना हम रेवेन्यू रियलाइज करते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे, और जितनी हमारी अमाउंट अभी हमने सर्विसेज देनी है वो हमने अभी रियलाइज नहीं की है, अभी उसको हमने अर्न नहीं किया है, वो हमारे पास अन अर्नड है, तो वो हमारी एक तरह की लाइबिलिटी रहेगी। ओके सर, ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ चीज़ पूछनी हो तो प्लीज़, मैंने जैसे बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपके पास एंट्रीज आएंगी, वो आपने एंट्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद आपने इसके लेजर में पोस्टिंग करनी है, और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद फिर आपने उसका इम्पैक्ट बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर कि इसका जो है नो नो इफेक्ट है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, व्हाट्स एवर जो भी है वो हमने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करना है। और कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं कि जनाब हमें जहाँ पर हमने कहा कि जो रियलाइजेशन है जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे रेवेन्यू को, अब वो हमारा लाइबिलिटी है। बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू फॉर दी जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जिनको हम जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते हैं, उसकी बुक वैल्यू क्या होती है कि हमारे एसेट की वैल्यू ग्रॉस रहती है, हम उसके लिए एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट ओपन करते हैं, और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या करता है उसकी वैल्यू को कम कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है बुक वैल्यू, वो वैल्यू शो करता है जिसपे हमने उसको अपने बैलेंस शीट में शो करना है। सर जी सर, क्या कहते हैं ये पेपर्स में क्या आएगा हमारा? पेपर में सवाल आएगा बेटा, सवाल तो सर आएंगे लेकिन क्या आएंगे? तो ये इतनी देर से जो जो बता रहा हूँ आपको बेटा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको? नहीं सर, वो मैंने आपकी सुनी, आप वो क्या कह रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ जनरल जनरल आएगा, उसके बाद टी अकाउंट्स आएंगे, और फिर ट्रायल बैलेंस तक आएगा। जी ट्रायल बैलेंस जनरल जनरल आएगा, फिर टी अकाउंट्स आएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस आएगा, और फिर आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन आएगी, उस पर आपने बताना है कि किस पे क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट नहीं है, फिर आपने कुछ ये एडजस्टिंग एंट्रीज आएंगी, कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज आएंगी जो हमने की हैं। एडजस्टिंग एंट्री हमने क्या किया है, एडजस्टिंग एंट्री में हमने डेप्रिसिएशन का किया है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री में हमने सप्लाईज कंज्यूम का किया है, एडजस्टिंग एंट्री में हमने रेंट एडवांस का किया है, एडजस्टिंग एंट्री में हमने रेवेन्यू जो है अन अर्न रेवेन्यू का किया, ये चार चीज़ें हमने की। हमारा सिलेबस बस इतना ही है। समझ गया हूँ, ठीक है बेटा। यस सर, क्योंकि हमने पढ़ा इतना है तो जितना पढ़ा उतना ही हमारे पास जो है सिलेबस होगा। जी बेटा, इसमें से कोई चीज बेटा पूछनी हो, कुछ आपने जो है कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिफिकेशन है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं आगे और आपको पढ़ाना चाह नहीं रहा, वरना तो हम आगे और पढ़ लें, थोड़ा सा जाएं एक दो और एग्जाम्पल कर लें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जो है स्टिक करें, ताकि यहाँ तक अगर आपकी कोई कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो बेटा वो पूछ लें। सर रिटेंड अर्निंग सब फिर बता। हाँ अच्छा, रिटेंड अर्निंग बेटा मैं अब बार मैं रिपीट करता हूँ, होता ये है कि मैं आपको जल्दी से ना यहाँ पर ना एक ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास जो है तो अकाउंट का नेम हो जाएगा व्हाट्सएप जो भी है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो डेबिट हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, क्विकली ताकि मैं आपको समझा दूँ ना। अब होता ये है कि पहले हमारे पास एसेट आते हैं, हमने कहा जनाब हमारे पास जो है वो कैश है, कैश जो है वो 10,000 है। गुड बेटा, शाबाश बेटा, आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना, ताकि आपके लिए क्लैरिटी आ जाएगी, मेरे लिए भी क्लैरिटी आ जाएगी। राइट जी, हमने कैश लिख दिया, इसके बाद हमने मैं इसको जान बुझ के शॉर्ट बनाता हूँ समझ आ जाए, फर्नीचर लिख दिया, फर्नीचर में भी हमारे पास जो है वो 20,000 का था, और उसके बाद हमने यहाँ पर मशीनरी लिख दी, मशीनरी हमारे पास जो है फर्ज करें ये 25,000 की थी, इसके बाद हमने यहाँ पर जो है सप्लाईज लिख दी,
वो फर्ज के 5,000 की थी, ठीक है, एंड सोचते हैं और ऐसे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब जो है क्रेडिट साइड पे क्या आएगा हमारे पास, अकाउंट्स पेबल आ गया, ठीक है ना, बस के 15,000, और बाकी मैं आपको जो है आपकी आसानी के लिए ज़्यादा इसको नहीं कहता, फिर हम कहते हैं जनाब के जो है साउथ कैपिटल, ठीक है, साउथ कैपिटल आ गए ना 40,000, ठीक है। अब क्योंकि मैं इससे पहले टाइम था तो मैं बता दूं आपको, मैं अब आप इन सब को टोटल करें कितना आता है, 60,000 आता है, इनका टोटल क्या कितना आता है, 55 आता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास है, हम क्या कहना रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, समझ आगे बात। रिटेन्ड अर्निंग वापस कैपिटल का पार्ट होता है, रिटेन्ड अर्निंग इज द ओनरशिप ऑफ द, जो हमारा जो ओनर है उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ओके बेटा, जी सर सही है, थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ पर जो है हम इसको बेसिक लाइन लगा दें या डब्बा बना दें जो भी है, तो ये हमारे पास है, इसको जो है हम एक बॉक्स में शो कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना टोटल बन जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने आपको बड़ा शॉर्ट सा बताया था कि हमारे पास टाइम कम था, मैं कहता हूँ कि अभी जो है वो 1 मिनट और 31 सेकेंड रह गए, तो ये ताकि इसको हम जो है वो फिनिश अप कर लें, क्योंकि बाद अभी आपकी मेरी मीटिंग है इनके साथ, आप यूनिवर्सिटी वालों के साथ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई चीज, कोई इशू, फटाफट प्लीज। नो सर, थैंक यू। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। लेकिन ये आज का लेक्चर जो है ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, ये रिकॉर्डिंग आपने बार बार देखनी है इंशाल्लाह। सर बार बार देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जो है एग्जाम में, मैंने इसको बड़ा फोकस रखा हुआ है कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हमने दोबारा सारी प्रैक्टिस की है, ताकि हम जो है एग्जाम में आपके लिए मुश्किल ना हो। सर पेपर आसान है? जी बेटा पेपर आसान है सर? बहुत आसान है सर, मार्किंग भी आसान करेंगे ना। जी जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हाँ सर, बस थोड़ा सा ख्याल करना सबका। एक चीज, या तो मार्किंग आसान हो जाएगी या पेपर आसान होगा। सर मार्किंग आसान कर लें, पेपर मुश्किल बना दूं? बेशक मुश्किल बना दे। चलो ठीक है, पेपर में मुश्किल आता फिर मार्किंग आसान कर। सर दूसरा क्या कहते हैं कि